को बता दें जहां सीएम की महिला सुरक्षा को लेकर बैठक खत्म हो गई है। महिला और बाल अपराध पर कड़ी कार्यवाही करें, सीएम योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। एंटी रोमियो दल को एक्टिव करने के निर्देश दिए गए, स्कूल कॉलेज के पास गश्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। SC ST मॉब लिंचिंग केस में तुरंत एक्शन ले। तो महिला सुरक्षा पर बैठक हुई है, महिला और बाल अपराध पर कड़ी कार्यवाही करें, सीएम योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। SC ST मॉब लिंचिंग केस में तुरंत एक्शन ले, एंटी रोमियो दल को एक्टिव करने के निर्देश, जून और जुलाई में अभियान चलाएं, ये कहना मुख्यमंत्री का। और हमारे साथ लगातार अनूप हमारे संवाददाता जुड़े हुए इसी खबर पर। अनूप, देखिए जिस प्रकार से आज सीएम योगी पूरे एक्शन में नजर आए, सारी बातें तो जरूर कही और सबसे महत्वपूर्ण ये लगता है कि एंटी रोमियो दल की याद दिलाई एक बार फिर से। देखिए खुशबू, मुख्यमंत्री ने आज जो है बैठक की है और तमाम मुद्दों पे जो है अधिकारियों के पेच कसे हैं और सीधे तौर पे आदेश किया गया है कि अब जो घटनाएं होंगी उसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि एंटी रोमियो दल जो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे बनाया गया था, आखिर वो है कहाँ? वो उसकी जो विंग है वो काम सही से कर रही है? क्योंकि लगातार जो घटनाएं सामने आई है उसमें एंटी रोमियो दल आज तक जो है दिखाई नहीं दिया, ना ही उनकी एक्टिवता दिखाई दी, ना ही वो कहीं पर नजर आए। तो ऐसे में तमाम जो है ये विंग बनाई जाती है, लेकिन विंग आने के बाद वो काम कैसे करती हैं इस पे अधिकारी ध्यान नहीं देते। यही वजह रही कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है खुद समीक्षा बैठक की है, जो तमाम अधिकारी चलिए बने रही अनुपम हमारे साथ। और इसी बीच हम दर्शकों को ये सुना दे कि DGP जो है ओम प्रकाश सिंह, उनका क्या कुछ कहना है। कुशीनगर का मामला हो, हमीरपुर का मामला हो या अलीगढ़ का मामला हो, इन सभी प्रकरणों की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर की गई और ये निर्णय लिया गया कि विगत में जितने भी इस तरह के अपराधी तत्व हैं उन सबों का अभिलेखीकरण करके और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, फुट पेट्रोलिंग की व्यवस्था बढ़ाई जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की वारदात न हो पाए। तो आपको बड़ी खबर ये बताएं।